हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो UPPCS एग्जाम के लिए है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश समसामयिक की जो कि पूरे एक साल के करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चन बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, ये जो हमारा पूरा जो कलेक्शन है वो रिटेन किया गया है ACP वाराणसी जो हमारे शिव सर हैं, और इनका फेसबुक पेज है ACP शिव सर PCS के थ्रू, जो लगभग 2 से 3 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं और PCS और IAS इस पेरेंट्स को हमेशा एजुकेट करते रहेंगे। तो उन्हीं से चीज़ें से लेके मैंने पूरे इस चीज़ का कलेक्शन किया है और उनके विशेष गाइडेंस पे एक शेयरिंग के तौर पे उनके परमिशन के बाद ये वीडियो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और कल काफ़ी लोगों का मैसेज आया था क्योंकि ये चीज़ का इंफॉर्मेशन मैं कल ही दे दिया था सब लोगों को, तो फ्रेंड बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले हैं उसे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को मेकअप किया। चलिए फ्रेंड वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारे कर ले सब्सक्राइब और कर ले बेल आइकन प्रेस ताकि आपके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिलते रहें। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया गया है, तो इसका वो था 14 जनवरी। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए इसकी थीम इस बार क्या रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश गौरैया दिवस मनाया गया था आपका 20 मार्च का। वन्य जीव के लिए भारत का पहले DNA बैंक खोलने की योजना किस जगह पर की गई है, तो UP में बरेली में की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की योजना बना दी गई है, ये रायबरेली UP में। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 है फ्रेंड, देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो ये गाजियाबाद UP में खोला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6, मेट्रो सेवा शुरू करने की UP सरकार की योजना किन 3 स्पेशल जगहों पे है, अभी स्टार्टिंग में यहीं पे उनका किया जाएगा, इसके बाद जो अभी लखनऊ वगैरह का हो चुका उसके बाद, तो आगरा कानपुर और मेरठ का। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, दस्तक अभियान की शुरुआत कब की गई, तो 5 फरवरी 2018 को UP में की गई। इसका जो लक्ष्य है इंसेफलाइटिस और जापानी इंसेफलाइटिस की रोकथाम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, संकल्प सेवा बस सर्विस प्रारंभ की गई, ये कौन से गवर्नमेंट के द्वारा, तो UP गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पॉइंट नंबर 9 है, भारतीय पार्क संस्थान का शुभारंभ ये कहाँ किया गया, पार्क होना चाहिए पे, और नोएडा में किया गया 27 अप्रैल 2018 को। महेश्वरा सेतु जो उद्घाटन योगी जी के द्वारा किया गया है किसको जोड़ता है, ये नेपाल के सोनौली को और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को जोड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ध्यान रखना। आम बजट 2018-19 में UP में मेडिकल कॉलेज कितने खोले जाएंगे, तो और 8 और मेडिकल खोले जाने का इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट फ्रेंड 12, उत्तर प्रदेश बजट 2018-19 अपने पूर्व बजट से कितने परसेंट अधिक थे, 11.4%, और इस बार जो बजट रहा है 4.28 लाख करोड़ का, और इसके पहले जो रहा था वो 3.84 लाख करोड़ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कैलाश मानसरोवर कहाँ बनाया जाएगा, तो ये गाजियाबाद में बनाया जाएगा, और UP बजट में भी ये चीज़ क्या है मेंशन की हुई, उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपी के किस जगह को सिंगापुर की तरफ से विकसित किया जाएगा, तो ग्रेटर नोएडा को। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेवर हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, और ये किया जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, और इस टाइम आपके उड्डयन मंत्री जो यूपी के हैं वो नंद गोपाल मंत्री हैं, और स्टाम्प शुल्क विभाग भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16, यूपी में बनने वाला पहला डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पर बनेगा, ये अलीगढ़ से चित्रकूट के मध्य बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 में सहयोगी भागीदार के रूप में कितने देश शामिल हुए थे, तो 7 देश शामिल हुए थे फ्रेंड्स, और इसमें जो नाम है इनके नीदरलैंड, जापान, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, फिनलैंड, मॉरिशस और थाईलैंड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी मैं मेंशन कर देता हूँ फ्रेंड्स, इंडिया की जो सबसे FDI प्राप्त करता है वो कंट्री है वो मॉरिशस है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर FDI आती है तो मॉरिशस है, सेकेंड पोजीशन पे आपका सिंगापुर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, लखनऊ में कार्यालय खोले जाने की पहला देश कौन सा होगा, तो ये नीदरलैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूपी मॉरिशस भवन बनाएगा, प्रवासी भवन जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो वाराणसी बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, ये काफ़ी चर्चित रहा है यूपी को का जो कानून है आपका विधेयक की मंजूरी कब मिली, ये विधानसभा द्वारा 21 दिसंबर 2017 को मिली, और इसके तहत 6 माह तक की जमानत नहीं मिल सकेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इसको कथन के तौर पर बनाया जा सकता है, फुल फॉर्म भी इसको आपको याद रखना है, तो यूपी को का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये तीनों ध्यान रखना है, और इसके पॉइंट भी ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 32वें सूरजकुंड मेले का थीम क्या था, सॉरी ये कहाँ पे हुआ था, और आपको थीम इसका मेंशन करना है, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 22 है, फतेहपुर में बनेगा रेलवे पार्क, झांसी में बनेगा कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, एक ज़िला एक उत्पाद योजना है, तो ये है यूपी गवर्नमेंट की योजना। कलश के आकार का संग्रहालय कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये इलाहाबाद में, अब इसका नाम चेंज हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 25, गंगा हरितमय योजना का शुभारंभ 7 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश है तो विकास है का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो 25 दिसंबर 2017 को मथुरा के लोहबान और गौशाला से किया गया था। यहाँ पे मेंशन नहीं हो पा रहा ये चीज़। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27, यूपी के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो 12 मार्च 2018 को यूपी के मिर्जापुर के दादरा कला से, और मोदी जी ने भी इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मिलेनियर्स फार्मर स्कूल किसान पाठशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया या कब किया गया, तो 5 दिसंबर 2017 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूपी के दिव्यांगों की नौकरी में कितना आरक्षण मिलेगा, तो 4%, ये यूपी के द्वारा लाया गया नया इनिशिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 30, स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया, तो 2 अप्रैल 2018 को सिद्धार्थनगर यूपी से किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में कुंभ 2018 का 27 की तिथि है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि इसका जो इन्विटेशन है हमारे फॉरेन और या तो फिर इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू टोटल 192 कंट्री में इसका इन्विटेशन भी सेंड किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ जानेंगे। और इसका लोगो भी आपको ध्यान रखना है, कुछ इसमें है 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 4 फरवरी को मौनी अमावस्या, 10 फरवरी को वसंत पंचमी। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश पर्यटन की टैगलाइन जो है वो क्या है, तो ये है इसकी टैगलाइन, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, टैगलाइन भी आपको ध्यान रखना है। और अगर सेंट्रल में पूछे पर्यटन मंत्री तो आपके महेश शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश के 4 स्मारक कौन है जिनका चयन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, तो ये हैं ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, सारनाथ, श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश को कौन से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग मिले, तो NH-35C और NH-319O। नेक्स्ट फ्रेंड 35, हुडको अवार्ड दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अब जान लेते हैं हुडको का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है फ्रेंड्स हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हुडको HUDCO ये होता है इंग्लिश में अगर आप राइट करोगे तो, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो बेस्ट अवार्ड दिया गया है यूपी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेगम अख्तर पुरस्कार दिया गया है, तो ये मार्च 2018 में दिया गया था 2 लोगों को, पंडित धर्मनाथ मिश्रा और साथ सखावत हुसैन खान को। क्वेश्चन नंबर 37 है, योगी सरकार के 1 साल पूर्व कब हुए, तो ये हुए 19 मार्च 2018 को। प्राग्स उत्सव मनाया गया, तो ये मगहर में आपके वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में क्रिएटिव सिटी के तौर पे शामिल किया गया, तो ये वाराणसी और जयपुर को शामिल किया गया, अगर यूपी में देखें तो वाराणसी को, जयपुर आपका क्या है राजस्थान की कैपिटल है। और यूनेस्को किससे इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं फ्रेंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर इसका फ्रेंड्स पेरिस में 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इस टाइम इसके नियर अबाउट 195 कंट्री हैं, ठीक है, मेंबर कंट्री है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ जनजातियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ इसमें भी मेंशन कर दिया है सर ने, तो अगरिया जो जनजाति है सोनभद्र में, बैगा जनजाति वो भी सोनभद्र में पाई जाती है, और सहरिया जो जनजाति है खास करके ललितपुर झांसी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, तो जालौन व फैजाबाद में। अगर पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन की सबसे कम जनजातियाँ जो पाई जाती हैं वो कहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, तो ये बागपत में है, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 42, महीगिरी जनजाति पाई जाती है, तो बिजनौर यूपी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्रूज अलकनंदा का लोकार्पण यूपी में किया गया, ये कब किया गया था, 2 सितंबर 2018 को खिड़किया घाट पे, यह पंचगंगा से 80 घाट के बीच में चलेगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, काला नमक चावल की बड़ी किस्म है, ये यूपी के किस जगह पे या किस जिले में पाई जाती है, यूपी के बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूपी द्वारा भूजल सप्ताह मनाया गया था, ये 16 से 22 जुलाई 2018 को मनाया गया। 46 है, उन्नत भारत पुस्तक लिखी गई है, तो शंकर अय्यर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मार्टी कला बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 19 जुलाई 2018 को, और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सत्यदेव पचौरी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड, यूपी में पॉलीथीन पर प्रतिबंध कब लगा, तो 15 जुलाई 2018 को लगाया गया। लेदर क्लस्टर परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, तो कानपुर में लेदर फैक्ट्री, या यूपी का मानचेस्टर भी बोला जाता है, भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ होगा, तो ये
वाराणसी में किया जाएगा। महात्मा गांधी के वापस लौटने पे ये मनाया जाता है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 51 है, इस बार 2019 इलाहाबाद कुंभ में कितने नदियों के जल को लाकर देवी देवताओं का जलाभिषेक करने का प्रावधान किया गया है? तो 7 नदियां, इसमें गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना, कावेरी और कृष्णा और ब्रह्मपुत्र नदियों का होगा। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैत्री बस सेवा का संचालन हो रहा है, ये किस जगह को किस जगह से जोड़ेगा? तो नेपाल के जनकपुर से यूपी के अयोध्या को बीच में चलेगी ये बस और इन दोनों को जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 53 है, अमेरिका विश्वविद्यालय को जापानी इंसेफ्लाइटिस से लड़ने में यूपी सरकार की मदद करेगा? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो मनोज कुमार, इन्होंने रिप्लेस किया एस के अग्रवाल को। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तर प्रदेश की पहली मुस्लिम सांसद कौन है? तो तबस्सुम हसन बनी है। 56 है, भारत का पहला पर्यावरण महाकुंभ आयोजित होगा? तो 1 दिसंबर 2018 को वाराणसी में आयोजित होगा। 57 है, भारत का पहला स्मार्ट गांव बन गया है? तो रायबरेली जिले का तौधकपुर गांव है, पूरी तरीके से स्मार्ट गांव बना है, डिजिटली स्मार्ट बना है। 58 है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो ये गाजीपुर में की जाएगी। 59 है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम बना है? तो ये शाहजहांपुर 24 अप्रैल 2018 को बनाया गया। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में यूपी का जिला जिसे एनसीआर में शामिल किया गया, तो ये शामली को किया गया। एनसीआर में अब कुल 23 जिले हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये वाराणसी में की जाएगी। बहुत ही लाइमलाइटेड क्वेश्चन भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पहला रेशम अनुसंधान केंद्र यूपी का कहाँ खोला जाएगा? तो गोरखपुर में खोला जाएगा। प्रदेश के 4 नए आईटी पार्क जो खोले जाएंगे वो कहाँ पे खोले जाएंगे? तो जो प्रस्तावित हैं वो हैं मेरठ, आगरा, गोरखपुर और कानपुर, और इसके पहले जो जहाँ पे बन चुके हैं लखनऊ, कानपुर और नोएडा और इलाहाबाद में। ठीक है, फिर कानपुर में एक बार फिर से एक नया बनाया जाएगा, इसलिए ये भी चीज़ क्या है, ये पहले से बन चुका है और एक और नया बनाया जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर रमेश चंद साह को 31 अगस्त 2018 को। कैफी आजमी अवार्ड दिया गया 2018 में, तो किसको दिया गया? राजेश जोशी और कमल हसन को, जो आपके साउथ इंडिया के हैं टॉप लीडर। अभी इन्होंने मलक्कम करके ऐसी कोई अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एशियाई खेल 2018 में उत्तर प्रदेश के पदक प्राप्त खिलाड़ी हैं? तो 6 हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो पूछी जाती है मतलब गोल्ड मेडल को लेके, तो सौरभ चौधरी हैं जिनका निशानेबाजी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 68 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 ISFR 2017, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है ISFR का, 2017 में यूपी में कुल वनावरण है और वृक्षावरण के ये हैं पूरे टोटल 14,679 वर्ग किमी और 7,442 वर्ग किमी। कुल वनावरण का ये है 14,679 और वृक्षावरण का है 7,442 वर्ग किमी। नेक्स्ट फ्रेंड 69, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत यूपी का वनावरण? तो 6.09% है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ISFR 2017 के अनुसार यूपी के शीर्ष वनावरण वाले जिले हैं? तो ये हैं सोनभद्र और खीरी। क्वेश्चन नंबर 71 है, कुछ क्वेश्चन बना दिए गए ISFR से इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो इंपॉर्टेंट थे। 2017 के अनुसार यूपी के निम्न वनावरण वाले जिले हैं? तो भदोही, जो संत रविदास नगर है, और संत कबीर नगर है। क्वेश्चन नंबर 72, खाद्यान्न उत्पादन में यूपी की स्थिति जो है उसको हम मेंशन कर लिए, यहाँ पे मेंशन हो गया है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो यूपी का योगदान है 20% है। देश के गेहूँ के कुल उत्पादन में यूपी का योगदान 30% है। दुग्ध उत्पादन में यूपी का जो है योगदान 16% है और देश के कुल आलू उत्पादन में यूपी का योगदान 33% है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यूपी की मुखबिर योजना लॉन्च की गई थी 25 जून 2018 को, 2 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है 74, 5 जिलों में वैचारिक कुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग, मथुरा और अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 75 है, वैचारिक कुंभ की जो थीम है और ये बताया गया जो जगह जगह पे होगी, तो इनकी थीम और स्थल सर्वसमावेशी भारतीय चिंतन, ये जो वाराणसी में होनी उसकी थीम है। इलाहाबाद में पर्यावरण, युवा शक्ति की कुंभ में भूमिका, ये लखनऊ की थीम रखी गई है। समरसता ये अयोध्या में रखी गई। मातृशक्ति सामाजिक चिंतन मथुरा में रखी। किसी एक का मेंशन करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार की धनराशि की मंजूरी मिली है? तो टोटल 1200 करोड़ की मिली है फ्रेंड्स। यूपी का पहला तितली पार्क बनाया जाएगा? तो ये कानपुर में बनाया जाएगा। नाइट सफारी परियोजना का निर्माण होगा ग्रेटर नोएडा में। मैत्री परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया जाएगा? ये कुशीनगर में किया जाएगा।
नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 80, वाण सागर परियोजना जो मिर्जापुर यूपी का लोकार्पण किया गया, अभी मोदी जी ने किया था, तो ये 15 जुलाई 2018 को किया गया। पतंजलि मेगा फूड पार्क को मिली है योजना परियोजना को मंजूरी मिली है, तो ये कहाँ पे बनेगा, नोएडा में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुभारंभ किया गया 24 अप्रैल 2018 को। किसान उदय योजना जो उत्तर प्रदेश का शुभारंभ हुआ 23 दिसंबर 2017 को। यूपी के इस करंट अफेयर्स में डेट अक्सर करके पूछा जाता है, इसलिए डेट पे काफ़ी क्वेश्चन बनाए गए। तो फ्रेंड्स आई होप ये टोटल थे आपको क्वेश्चन 83। आई होप ये वीडियो पसंद है, काफ़ी रिकमेंडेशन के बाद ये चीज़ मिल पाई है कि इस पर एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि शेयरिंग के लिए सबसे मेन फोकस है एसीपी वाराणसी शिव सर जी का। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल के ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को आने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।